14 का, तभी तो हम गौरव भाई के पास आते हैं। डॉक्टर सालूम के रेडी रेडी गाइस। हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो टाइम हो रहा है अभी 2:30 बजने वाले और टुडे इज़ 28th of May। तो टुडे इज़ संडे एंड अपडेट देना चाहूँगा, मेरे पैर अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मतलब मैं आज 2 वीक्स के बाद आज अपनी बाइक चलाऊँगा क्योंकि मेरी बाइक में कुछ काम है। मेरी जो फॉग लाइट है वो ख़राब हो चुकी है और 1-2 सामान मैंने ऑर्डर दिया था गौरव भाई को, तो वो सामान भी आ चुके हैं। तो मैंने सोचा आज संडे भी है, थोड़ी सी राइड भी हो जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि मंडे से मेरे को स्टूडियो जाना है एंड अपॉइंटमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगी मेरी, तो मैं थोड़ा बिजी हो जाऊँगा शेड्यूल में। तो मेरे को मतलब मेन चीज़ था फॉग लाइट, क्योंकि फॉग लाइट ऐसी कहीं ना ख़राब हो रही है, स्पार्क कर रही है वो अंदर। तो अभी बीच में फ्यूज़ उड़ गया था उसका, तो अब मैं ऑन नहीं कर सकता। अगर मैं गलती से भी ऑन करूँगा तो फ्यूज़ उड़ जाएगा बाइक का। तो एक बार उड़ चुका है, तो इससे अच्छा है कि बेटर है। और भाई ने बोला मैं फ्री हूँ आ जाओ, तो आशीष अभी आ रहा है। आशीष को भी फ़ोन कर दिया, आशीष का भी फ्री हो गया। वो भी इंजर्ड हो रखा, उसके भी पैर में लगी हुई थी, अभी फिर आज उसका पैर ट्विस्ट हो गया। तो बट वही है ना कि घर में नहीं बैठा जाएगा, और आ रहा है वो भी कह रहा है मैं चलता हूँ साथ में। उसको भी कुछ सामान लेना है और ऑर्डर देना है गौरव भाई को, तो उन्होंने बोला तुम जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ। तो बाकी वो आ रहा है, बाकी मैं रेडी हो चुका हूँ फुल। और मैं अभी बीच में मैंने जर्सी खरीदी है एक्सपल्स वाली, तो मैंने चलो आज पहन लेते हैं। तो बस अभी निकलते हैं, आशीष का भी फ़ोन आ गया, वो भी पहुँचने वाला है 5-10 मिनट में पहुँच जाएगा। तो अब निकलते सीधा, अब मिलेंगे मोटो व्लॉग में और मैं अपना बताऊँगा कि मैं चला पा रहा हूँ, बाइक के अपडेट है, मतलब बाइक चल पा रही है मेरे से कि नहीं चल पा रही है। भाई मेरे को खुशी हो रही है, सही में बताऊँ 2 हफ्ते के बाद मैं पहली बार बाइक चला रहा हूँ और रहा नहीं जा रहा था मेरे को, कब मैं बाइक चला पाऊँ तो आज फाइनली चलानी तो है, तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी है, तो अब इसलिए मैं चला रहा हूँ। सो गाइस फाइनली अब बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। आशीष आ गया हमारा, ये आशीष ने भी बाइक में अपने काम करवा रखा, बहुत सारा नया काम कराते हैं। बाइक का अभी बीच में एक्सीडेंट हो गया था बेचारे का, जैसे मैंने बताया था गाड़ी में सब कुछ मुड़ चुका है बेचारे का। हाँ तो स्टैंड में कहाँ स्टार्ट होती है? स्टैंड में नहीं, हाँ बंद करके न्यूट्रल करना पड़ रहा है, इससे हीट में बंद हो जाएगी। तो हाँ अब ये गेट गया, हाँ हाँ तो वो कोई तार मिल रखी होगी कोई, कोई नहीं। तो इस भाई जी ने ना हैंडल लगाया ना, ये अबे वो यहाँ लगता है जो तू कह रहा है ना हैंड गार्ड, अभी लगा के देखूंगा ना एक साइड से कैसा लग रहा है, बट मैं रेडी डर रहा हूँ बाइक फुल डालूंगा। भाई मेरे थोड़े से पैर में जोर पड़ रहा है। बाइक चला के बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग। मतलब मेरे को पैरों में कोई दर्द सा नहीं हो रहा, हाँ हल्का सा रैली लीवर लगी हुई है ना, तो मेरा पैर थोड़ा सा आगे है, तो बिल्कुल फिंगर में टच हो रहा है। जैसे अभी टच हुआ तो मेरे को ना संभल के एयर शिफ्ट करना पड़ रहा है, जाती ताकि लगे ना हो, क्योंकि रैली लीवर थोड़ा सा लंबा है ना, तो बिल्कुल पॉइंट में जहाँ चोट लगी है वहीं पे पॉइंट में लग रहा है। भाई बहुत ज़्यादा एड्रेनालिन रश हो रहा है मेरे के अंदर, ऐसा लग रहा है मैं पहली बार चला रहा हूँ भाई इतने टाइम बाद। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को तो यार, इतने टाइम के बाद चला के ना, मैं यही बोलता रहूँगा इतने टाइम के बाद चला के बहुत मज़ा आ रहा है। खुशी सी बयान नहीं हो पा रही है, खुशी के आंसू निकल रहे मेरे और कुछ नहीं। क्या हाल है गौरव भाई? बढ़िया। ये देखो हमारा 14 का भाई इसने ना अभी जब इसकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था ना तो इसने हैंडल गार्ड लगाया प्रो टेपर के हमारे गौरव भाई के यहाँ से, और स्टिकर लिया फॉक्स के। ये फॉक्स का सारी जगह फॉक्स 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 पूरे स्टिकर की शीट ना पूरी लगा दी भाई जी ने इधर। ये और क्या लगवाया था तूने? बस ये ग्रिल भी लगाई नहीं, बट अच्छा लग रहा है, रेड कलर अलग से ही चमक रहा, बढ़िया। मेरी बाइक में भी ये होना है, फॉग लाइट चेंज होनी है। बाकी मेरी बाइक में नई चीज़ लगी हुई है, प्रो डिस्क। तो ये रहा कल्पेट हमारा, वायर चुकी जल चुकी है, और दोनों वायर जल चुके, एक भी नहीं दोनों जल गई। एक जली तो दूसरी जला दी इसने, एक फेक मिनी ड्राइव, एक एरी और एक एरी। क्या फेक मिनी ड्राइव में सीन के पता क्या होता है, ये ना बैटरी ऑल्टरनेटिव से पावर कम उठाती है, ठीक है, और जब कभी फ्लक्चुएशन होती है ना पावर की तो ये ना उतनी पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इस चक्कर में जल जाती है हर बार। अच्छा, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, हर किसी के साथ है। और जिस हिसाब से वायरिंग हो रखी है ना, वायरिंग आर्नेस अगर तुम देखोगे तो यहाँ से एक वायर काट के यहाँ डाली हुई है, एक वायर यहाँ डाली हुई है, और दोनों वायर एक पॉजिटिव नेगेटिव की दोनों यहाँ पे डाल रखी है। इनका कोई मतलब नहीं है, अगर एक अर्थिंग यहाँ चली गई और एक पॉजिटिव यहाँ चली गई तो यहाँ सिर्फ एक सिंगल वायर आती है। तभी तो हम गौरव भाई के पास आते हैं, डॉक्टर सालूम के सीरियस कॉन्वर्सेशन करना। ये वाली मैंने इंदिरा मार्केट से लगाई थी, फेक थी, अब लग रही है ओरिजिनल वाली। हाँ सॉरी, बिल्डिंग से लगाई थी, अब ये लगेगी ओरिजिनल। ये रही ओरिजिनल अनबॉक्सिंग। पहले गाड़ी तो सही करो, तुम सीखो पहले, तुम्हें अनबॉक्सिंग सिखाओ। बढ़िया करके अब इसका थ्रो बहुत बेटर है, फेक वाली से बहुत बेटर है, क्योंकि हमने देख ली थी आगे। और ये तुम सिर्फ रास्ते ज़्यादा दिखाओगे ना, पुरानी वीडियो के कंपैरिजन में दिखाना है, इससे लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। डन सब भाई, ये भी फिट होएगा ये भी फिट होगा हमारा प्रो टेपर, आ जाएगा भगवान करे आ जाए, बस फिट हो जाएगा बढ़िया करके। बस अब हैंडल की रिक्वायरमेंट है, ब्लैक कलर का हैंडल रिक्वायरमेंट है, तब जाके अच्छा लगेगा। तो भाई हमारी बाइक हो रही है, तब तक हम जा रहे हैं हीरो के शोरूम। और लेने मेरी बाइक का एक और नया पार्ट, तो इसके बाइक का पार्ट लेने जा रहे हैं। बता रहा हूँ मैं कौन सा पार्ट लेने जा रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पोर्शन वाला जो इसके टांगे, ये हटा टांग हटा वाला। तो भाई हम लोग जिस पार्ट के लिए आए थे आशीष की बाइक के लिए, वो पार्ट अभी हमें मिला नहीं है। हमें 4V ब्लैक और रेड कलर की जो आती है ना, इसका वो वाला पार्ट चाहिए, मिड पार्ट, क्योंकि इसको अपनी रैली एडिशन वाला पार्ट पसंद नहीं आता है, तो वो वाला पार्ट चाहिए। तो वो वाला पार्ट में दिखा दो। और ये यार आगे खड़ा हुआ, मेहनत चल रही है, मेहनत उधर की तरफ से टाइट हो रहा है ना, इधर की तरफ से मेहनत। We Indians know for a jugaad, and this is our jugaad. So मैं बता दूँ, ये स्टॉक हैंडल में लगता नहीं, ये क्लैम्प टाइट नहीं हो पाते। संडे है भाई, क्या हो गया तेरे को? ये अलग नशे में घूम रहा है। मेरा काम ऐसा है ना गौरव भाई, वो दलाल कहता है कि स्टॉक में नहीं है, और वो उसका दल्ला कहता है परसों आ जाओ। मैं राजपुर से पी रहा हूँ, यहाँ पे 2 चक्कर काट दिए मैंने। तो पागल है, जब उस समय बोल रहा था वो स्टॉक में, तो उसी समय नहीं था। तूने उसको बोला कि भैया, उसने बोला कि है स्टॉक, मैंने बोला ताकि वो देख ले कि वो भी रहा था सेल से। ये देखो 9 माउंटेन वाले अगर देख रहे हैं तो देखो, ये दलाल झूठ बोल, सबसे बड़ा खुद ही दलाल बना पड़ा है। तो ये रहा क्लैम्प के अंदर हमने रबड़ काट के लगाया, अब ये टाइट हो जाएंगे। अब नहीं हुआ है तो फिर तो देखो फिर क्या होता है। इसके बाद तो कुछ भी हो जाए, टाटा बाय बाय करेंगे फिर तो। टाटा बाय बाय नहीं है, यहाँ खड़े हो तो कुछ ना कुछ हो। हमारे गौरव भाई प्रोफेशनल। कितनी है लेबर आपकी? 1000 रुपये? अरे सस्ती लेबर है तो आशीष भाई से लेता हूँ मैं 3000। आशीष भाई तो गाड़ी में काम भी तो ऐसा करा रहा है ना, पर्सनलाइजेशन भी तो है आपकी गाड़ी में। 3000 रुपये लेबर तो देना बनता है गौरव भाई को, है ना। जब काम हो गया फाइनली अब भाई हमारे काम का स्पॉन्सरशिप आज रघुवंशी कस्टम ने कराया हमारे क्या कह रहे हैं, क्या बोला है? मेरे को घर पे कराया मैंने सारा का समय का। सही है, आप भी कर सकते हैं गाइस। बाकी मैंने तो इंस्टाग्राम में मेरे को लोग पूछते रहते हैं काम करवाने का, तो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने गौरव भाई के पास आओ, काम करवाओ अपना बढ़िया रीजनेबल रेट में। सारी चीज़ें ओरिजिनल वगैरह जैसी भी चीज़ हो सब मिल जाती है। बाकी ये बताना ये कैसा लगा प्रोडक्ट? कुछ टाइम के लिए लिया है, मेरे को स्पॉन्सर मिला था ब्रांड की तरफ से, तो शूट वगैरह भी पेंडिंग है इसके। किसी को ये ब्री शॉट चाहिए सिंगल वो भी मिल जाएगी, हैंडल के साथ चाहिए प्रॉपर कम्बाइंड अपना रेड रेड ब्लू ब्लू सिल्वर ब्लैक वो भी मिल जाएगा। बाकी लाइट भी मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपना गौरव भाई का इंस्टाग्राम हैंडल का, तो मेरे रेफरेंस आप मैसेज कर सकते हो गौरव भाई को, जो भी चाहिए होगा, जो भी पार्ट चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा, फ़ोटो वगैरह दो और पार्ट ले लो। बाकी हम निकलते टाइम 5 बजे, उसको भी काम है मेरे को भी काम है। ओके गौरव भाई मिलते, मेरे को बताना। पहुंच जाता है, हो जाता है। मैं भूल गया था, मेरे पैर में लगी लीवर लग गया वहीं पे। पेट्रोल डलवा के पेट्रोल लिया, उसके बाद अभी घर चलते हैं, फिर मुझे लोगों के साथ चलना है थोड़ा सा। आज संडे थोड़ा बाहर जाएंगे एंड उसके बाद फिर घर। आगे आप लोगों को बताना है कैसा लग रहा है हमारा कॉकपिट रेस नॉट के साथ। रेस नॉट ऐसे काम करती है वाइब्रेशन को, जो हैंडल की वाइब्रेशन को कम करती है, प्लस अगर हम ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो इसमें जो पैडिंग है ना ये काम आती है। ये अगर इम्पैक्ट आता है मुँह का फेस का, सीधा हैंडल ही लगता है आपको। ये रॉड लगती है, इसमें भी 2 क्वालिटी की आती है ये पैडिंग ना, 2 क्वालिटी की आती है। तो मेरी आती सबसे टॉप एंड वाली क्वालिटी है, जिसमें आप देखो ये ब्लैक ब्लैक से बाहर निकला। दूसरी आती है बिल्कुल कुशनिंग होती ही नहीं, उसमें ना के बराबर कुशनिंग होती है, वो सस्ती आती है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा आप सबको कि आप करवा सकते हो गौरव भाई से काम अपना बाइक वगैरह, कोई सी भी बाइक हो, जरूरी नहीं है एक्सप्लूस, कोई सी भी बाइक का काम करो। ट्रैफिक मिल गया अपने को, आगे पहुंच के मिलेंगे। शाम का टाइम हो गया ऑलमोस्ट 5 बजे, बट अभी भी धूप ऐसी तेज़ लग रही है ना। और भाई मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया इतने टाइम के बाद बाइक चला के, दिल को तसल्ली सी मिली। 2 हफ्ते से बाइक नहीं चलाई थी, और प्लस पावर भी इतनी ज़्यादा है तो बढ़िया सा मज़ा आ रहा है। अंदर से बच्चे हाई हेलो कर रहे हैं। संडे मार्केट हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो इतनी भीड़ दिख रही है वो अंदर संडे मार्केट लग रखा है। मतलब चीप मार्केट जो होती है ना, 20 रुपये में, 100 रुपये में, 100-150 रुपये में सारी चीज़ें वहीं मिलती है। ये प्रोविजन ग्राउंड के सामने जो गाड़ी खड़ी है इसका भी चलान हो रहा है। पहले तो ये ब्रेस रॉड सस्ती वाली आती है, उसमें ये क्लैम्प आप देखना क्लैम्प का फर्क आता है और इसके अंदर आपको एडजस्टेबल रॉड होती है, बट ये एक फिक्स रॉड है। और प्लस ये वाला जो मेन है ना ये चीज़, तो आप देखोगे इसमें ना ये वाला फीलिंग है और अंदर से भी कुशनिंग इसकी अच्छी है, खुल जाता है और उसको अलग अलग ब्रांड के आप लगा सकते हो इसमें। तो इसमें देखो रबड़ कुशनिंग है और एक सस्ता वाला आता है जिसमें थर्माकोल टाइप का, थर्माकोल भी गेम हल्का सा वाइट कलर का सस्ता वाला आता है, तो वो वाला उस पर चेंजेस फ़र्क है। बाकी लाइट लग गया अपनी एडजस्ट ही, और अभी शाम को जाऊंगा तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगी इसमें कि लाइटिंग का थ्रो कितना जा रहा है। अभी तो दिन है, अभी रोड में तो पता नहीं चल रहा कि थ्रो किधर की तरफ जा रहा है इसका, बट अभी शाम को जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ज़्यादा ऊपर है या नीचे। एडजस्टमेंट अपने हिसाब से मैं करनी पड़ेगी फिर। सो रात हो रही है, अभी मैं मकलोगा गया था, मकलोगा से हम वापस आ गए थे। मैंने शूट नहीं किया एज़ यूजुअल, टाइम स्पेंड करना था बस, तो इन फ्यूचर मैं प्रॉपरली शूट करूँगा। सो रात हो गई है तो मैं आपको अभी बाइक का थ्रो दिखा देता हूँ, लाइट का जो हमने ओरिजिनल जो HG लगाई है उसका थ्रो कैसा है। और अगर मेरे पास कोई पुरानी क्लिप पड़ी होगी जो हमने पहली जो पुरानी वाली लगाई थी उसका थ्रो और इसके थ्रो में कंपैरिजन आप देख लेना। बाकी अभी चलते हैं बाहर और मैं दिखाता हूँ आपको थ्रो कैसा है। तो ये रही अपनी बाइक खड़ी है और काफ़ी अंधेरा है, तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए फ्लैश ऑफ करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है लाइट में। ये फुल ब्लैक, पिच ब्लैक, ये अपनी नॉर्मल DRL चल रही है। रेडी गाइस, ये मेरा थ्रो आप देख लो कितनी ज़्यादा ब्राइट है, मटेरी वाइट, मतलब पूरा एरिया चमक गया इस थ्रो से, देख रहे हो आप। तो ये है ओरिजिनल की पहचान, तो आई रिकमेंड कि ओरिजिनल ही लगाओ, डुप्लीकेट मत ही लगाओ, तो बेस्ट है। एंड कमेंट करके बताना कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आपको कौन सी सही लगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा गौरव भाई के, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो रेफरेंस से। मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में पड़ी है, थ्रो देख लो एक बार। ये स्टॉक लाइट ये रही इसकी, और ये रही वाइट। तो स्टॉक लाइट में ही देख लो, स्टॉक लाइट तो कितनी ब्राइट है। सो आई होप आपको कंपैरिजन में समझ में आ गया होगा, शायद अगर मेरे को वीडियो मिल जाएगी तो कंपैरिजन आपको दिख रहा होगा। बाकी बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और जो पुरानी थी उसको हमने रिप्लेस किया और हमने ये ब्रेस रॉड भी लगाई है कुछ, और इन फ्यूचर और छोटी छोटी मॉडिफिकेशन होने वाली है, वो इन फ्यूचर होती रहेगी। मतलब आप बहुत अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन देखी होगी बाइक में। और मैंने आपको आशीष की बाइक भी दिखा दी, उसने हैंडल लगा रखा है प्रो टेपर का, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फिट हो गया। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने राइड पे गया और भाई आई रियली इन्जॉय माई राइड। मतलब 15 दिन के बाद मैं बाइक चला रहा था तो मुझे इतना हेवन फील हो रहा था ना। सो जो भी बाइकर्स है वो ये चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितना ही अच्छा लगता है जब आप कुछ टाइम के बाद आप बाइक चलाते हो। तो बाकी मेरे पैर ठीक है, काफ़ी है, बस थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम है, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा टेढ़ा चल रहा था 15-20 दिन, तो अब वो फ्लैट चल रहा हूँ तो थोड़ा सा दर्द कर रहा है, पर वो भी एक हफ़्ता लगेगा, एक हफ्ते में टोटली रिकवर हो जाएंगे। एंड कुछ और प्लान्स कर रहे हैं, हमारी राइड्स की प्लान है, ऑफ रोडिंग का प्लान्स करेंगे इन फ्यूचर, कुछ नई नई जगह जाने का प्लान है। तो स्टे ट्यून गाइज। घर वाले व्लॉग्स देखे जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थे, आपने उस पर भी बहुत प्यार दिया है और बहुत सपोर्ट दिया है। रिकवरी के लिए भी आपने कमेंट किया है, तो उसके लिए आई एम सो मच थैंकफुल। सो यू नो द ड्रिल गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन पीस आउट।